सिंगल ब्लॉक मोहिनी किश्ती का जो मालिक है मास्क उनके बैठों की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, जिसकी वजह से वो रेस्टोरेंट बंद कर दिया गया है। माता चाहते हैं मास्क उनके बैठों के लिए बहुत ज्यादा खराब है और हॉस्पिटल है, दुआ की रफा से तमाम लोगों की खोला कर दी बेहतरीन सर्विस और निजी पॉइंट हासिल किया है। अच्छी सर्विस देवेंद्र भाई शफी को रहमान और यहाँ पे शाम सर्विस को अपने पैरों में किया। सेवन अगेंस्ट फाइव, इक्कीस पॉइंट का मुकाबला चल रहा है और यहाँ पे तो आप पांच का स्कोर फिर वहां पे बहुत सुनाए कामयाब हुए प्रदर्शन में अपने मकसद में कामयाब सभी को चेंज करने में कामयाब हुए। आठ पांच के स्कोर पे सही तरीके से अपने खेल को दोनों टीमें दिखाना चाह रही है कि कौन अपने खेल को दिखाएगा किस तरह से देखा जाएगा। यहाँ पे आज बहुत अच्छा गेम चल गया। चुस्ती नईम मोहसिन तालिब तमाम लोगों ने अच्छा गेम चल गया। दोनों टीम के खिलाड़ियों को अच्छा गेम चल करते हुए यहाँ पहुंचा है चिश्ती यहाँ पे दोनों टीम के स्पिनरों ने कहा कि हर शॉट पे धड़कन को जगा दूंगा तुम्हारी। हौसला साहिब का रखते हैं जिगर में, हौसला साहिब का रखते हैं जिगर में। पेंटिंग क्यों आधा लेगा होगी किसी तरह से एक चुटकी को आस्कर दिया गया अलग में संभाल लिया है। मतलब क्या देख रहे हैं आप लोग का क्या था और पूरी कोशिश की गई है भारत के संभाल लिया जाए कामयाब नहीं हुई। बहुत खूबसूरती के साथ ये खेल चल रहा है। ये दोनों टीम अपने फन का पे प्राण मुजाहरा के बाबू से मुजाहरा किया है कि फनकार हूं मैं फन की खनक छोड़ जाऊंगा, फनकार हूं मैं फन की खनक छोड़ जाऊंगा, हर एक लब पे नामे वफा छोड़ जाऊंगा। लवली स्मैश बट अवे। तो नतीजा ये हुआ सात और नौ का स्कोर यहाँ पे है, सात नौ का स्कोर यहाँ पे है। तो ये धीरे धीरे दोनों टीमें संघर्ष कर रही है। 21 पॉइंट का एक ही सेट है कि फनकार हूं मैं फन लिखना छोड़ जाऊंगा, हर लग पे नामे वफा छोड़ जाऊंगा। ये खेल यहाँ पे चला है। मैं देखा हूँ आसिफ टैग को हम आए और बार कामयाब हो जाएंगे। तो बसरत भाई दुनिया वाली लाल टाइप का चेहरे का नाम जो हर कोई उन्हें जानता है। कोई उन्हें सुल्तान कहता है, कोई पलवान कहता है, बसरत कहता है कोई पलवान कहता है, हर कोना कोना देखता है। ये नाम बसरत है, बसरत प्रेमेश तैयार होते हुए शफी को रहमान
ये अच्छी सर्विस कुछ पास आ जाएगा, लेकिन वहां पे एमपी निश्चित भी थे और एक मौका फिर काम जरूर किया, लेकिन अब आ गया था अब एक मौका पॉइंट ना एक अगेन नाइन आठ नौ का स्कोर। हर शॉट पे धड़कन को जगा दूंगा तुम्हारी, हर शॉट पे धड़कन को जगा दूंगा तुम्हारी, हम हौसला शाहीन का रखते हैं जिगर में, दिए जिगर में हौसला शाहीन का रख कर लोग अपने गेम को शो कर रहे हैं। इस तरह भरी रात में आप देखें कोहरा पूर्ण रूप से छाया जा रहा है ग्राउंड पे, लेकिन शाबाश ये सच्चे दीवाने हैं दुनिया वाली वाले सच्चे दीवाने हैं जिनकी दीवानगी सच्चा की ओर नहीं है। त्रिकुण सिंह जी के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे और फिर सुहान के हाथों से गोल होती हुई गोल टाई लाइन से बाहर का मुकाबला कर सको। लैला लैला अपने मजनू को एक बार देखा कि मजनू बहुत बूढ़ा हो गया है, तो अपनी कमीज अपने लोगों से कहा कि तेल लेके आओ दूध पिलाओ मजनू को कुछ सेहत उसकी ठीक हो जाए। तो कोई बदलाव नहीं आ रहा है, कोई सेहत में ठीक नहीं हो रही है, तो फिर वहाँ पे डिस्कशन आ गया है। मोबाइल रेंज जो है जो मोबाइल किसी किसी आस पास में है, जिसके पास भी मोबाइल हो तो पहुंचा दे बच्चे की मोबाइल में होगी। कौन सी मोबाइल थी बाबू? ओप्पो। तो भाई लोग को ईमानदार मैं कहूंगा कि अगर ईमानदार और ईमानदारी का साथ ना देते तो बहुत अच्छा होगा। तो फिर त्रिकुण सिंह जी के साथ मैंने कहा कि ये चल रहा है कि थोड़ा बच्चे जी के साथ आपके तो पूछे कि मजनू को ने लैला उसे खून मांगे, हर जो बने हुए मजनू से हट गए और मजनू बोला कि लैला से पूछे इसका कौन से हिस्से का खून चाहिए। तो उसके बाद जब वो घर कहीं जाए कि पूछे कहाँ का खून चाहिए, पैर का हाथ का सीने का पेट का, तो बोले कि इसको पहचान लीजिए उसी को डेली दूध पिलाइए। तो ये सच्चे मजनू है इस दुनिया वाली वाल के, ये दुनिया वाली वाल के ये सच्चे मजनू है। मोहसर भाई बेनिया ने जिया जितने लोग बैठे हुए तुम नाम मेरा परसों तक बुलाओ क्या कुछ हो रहा है मुसरफ सब। और ये अच्छी सर्वे थी, अच्छा पास भी कहा जाएगा और पास किया किसी ने काम किया किसी ने अदरमने संभाला, लेकिन हम पाए कि रिसीव हुई और नीचे युवा इस तरह से अच्छे हो रही है। 10 और 11 की बॉन्ड का सेट है, कोई जबरदस्त ठंडक करेगा और लोग महसूस कर रहे होंगे जो लोग पिंडाल के बाहर बैठे हुए हैं और फिर बार वहाँ पे सबसे चार चार गया तो 11 बराबर दोनों टीमों का स्कोर यहाँ पे बराबर हो गया 11 बराबर। कौन सी टीम जीतेगी फाइनल, कौन ये तुम्हारी फनकार हूँ मैं, फन लिखना छोड़ जाऊंगा और हर एक लब पे नामे वफा छोड़ जाऊंगा, हर एक लब पे नामे वफा छोड़ जाऊंगा। जाहिद भाई का ये शेर और टाइम आउट दिया गया है, तो क्या टाइम आउट अभी बेहतरीन अंदाज में अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। अतर बैठे जीते गया वहां पर छोड़ दिए तो बस कुछ शोर में पता चल जाएगा 15-20 मिनट के अंदर कुछ कुछ आने लगेगी हौसला और फिर वहां पर कौन पर डिपेंड आ जाएगा अधर का शहजाद चमाली आया, लेकिन ये शहजाद चमाली ज्यादा बैठे वहां पर उनकी उम्मीद लगी। नतीजा ये हुआ कि एक पॉइंट लेने में कामयाब मोहम्मदपुर बाहर आ गया।
शहनवान भाई मोहसरा भाई से मिले, शहनवान भाई मोहसरा भाई मिले, से मिले कुछ के साथ गेम को शुरू करना पड़ेगा, तभी काम पड़ने वाला है। और जी के साथ अपने टेस्ट को दिखा रहे हैं, तो फिर हम भी किसी से कम नहीं। एक और एक और पॉइंट 13-11 है। अभी आपको पत्र है कलम कापी किताब बैंक को सजाना संभालना, उसके बाद मोबाइल से देखेंगे। 13-11 तो अल्लाह नसीब रहे कि जो चीज जो हुई थी मेरी मोबाइल जो हुई वो मिल गई है। तेरा देखा तो देखा जाए कुर्सू जी के साथ अपने दोनों टीम के प्रकार अपना पन दिखे रहे हैं। प्रकार हूँ मैं पन की खनक छोड़ जाऊंगा, प्रकार हूँ मैं पन की खनक छोड़ जाऊंगा, हर एक लब पे नामे वफा छोड़ जाऊंगा, हर एक लब पे नामे वफा छोड़ती चली जा रही है। ये प्रकार अपने लिए कुछ हो रहे हैं, तो तेरा इच्छा कुछ आइडिया दिया है, कुछ मत दिया है, तो क्या करेंगे? तो इस स्तर पर भरी इलाकों में टूर्नामेंट खेलना मुश्किल है। अगर आप कहीं टूर्नामेंट हो तो मैं वालीबॉल खिलाड़ी कहूँगा जरूर सवेरे जाए, तब सवेरे पहुँच जाए कि रात में और नहीं आएगी इतनी देर तक खेलने खेलने के लिए, क्योंकि आपके लिए हानिकारक है। तब सब कुछ और बोल के बैठा रहे लपक जाएगा कि जो खेल रहा है उसके लिए ये नुकसानदेह है। तो पहले आप टाइम पे जाएँ, 10 बजे घर में पहुँच जाए तो मुकाबला शुरू हो सही हो जाएगा। अच्छी सवेरी थी नाम में आप देखें यहाँ पे किला है ऋषान सर्विस को अपने नाम किया, कोई भी चेंज को वापस किया 13-12 के स्कोर पे। 13-12 का स्कोर यहाँ पे है। एक दिलकश नजारा पेश करता हुआ ये टूर्नामेंट एमएम स्पोर्ट वॉलीबॉल टूर्नामेंट एट नसीरपुर। तो नसीरपुर में ये टूर्नामेंट कामयाबी और कमाने के साथ फाइनल तक पहुंचा है, और फाइनल में भी कष्ट नहीं हो पा रहा कि कौन चैंपियन होने वाली है। और क्रिकेट में कल का सर्वाधिक किया कामयाबी 12-13 के स्कोर पे। और एक मतलब अबे तो अब यहाँ पे 13-12 नहीं 13-12 है बोलना, लेकिन लीग लेना होगा, प्राधिक करना होगा, लीग लेना होगा। वहां पर टूर बड़ी खतरनाक टीम है, किसी भी टीम को पास करने की अपनी सलाहियत और कामयाब 14-12 का स्कोर। 2 पॉइंट के लिए 7 पॉइंट चाहिए चैंपियन बनने के लिए यहाँ पे मोहम्मद फूल को। उस 7 पॉइंट को हासिल करने में कितना वक्त लगेगा या पलटावार करती हुई मुन्ना प्रधान ठग आगे बढ़ेगी तो आगे बढ़ाएगा। 15-12 का स्कोर हो चुका है। हाँ 2 पॉइंट की यहाँ पे पेचेंगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे शहनाज चमाली कुछ अपने सेटर देख रहे हैं, जीत में डिसमिस करूँ तो यहाँ पे किस मामले अच्छी करेगा और तमाम दर्शक करेगा और इस मुकाबले का पूरा मजा ले रहे हैं। सही तरीके से एक मतलब वहाँ पे पैक तैयार है और वहाँ पे चार
पॉइंट की जीत जीत लिए, एक तरफ एक पॉइंट लिए, दूसरी तरफ चार पॉइंट लिए, तीन पॉइंट जीत लिए, लेकिन पॉइंट भी नहीं दिया है। तो सेकंड एंड लास्ट टाइम आउट होना प्रधान का था। प्रेशर बाद में मेरे गांव के अपने एक माता के मौसी लगा डांस करेंगे, जितने मौजूद वहां पे हैं, एक माता के कौन डांस करेगा, ऊंचा डांस किया गया है और नहीं ने संभाल लिया। अब देखा जाए काउंटर पाना शहदा जवानी को पूरा फोटो मेरे कामयाब हुई शहदा जवानी और अब पास हो रहा प्रकोरा तो अपनी खेल पढ़ता चला जा रहा है कि इसको दो भी सही तरीके से फिटने में मुश्किल होगी। मुझे भी जब भी मैच तक होगा उतना ही बेहतर है टीका होती हुई इसको समझ के अपने काम को अंजाम देंगे। अच्छे दाग में आप देख रहे हैं कि ये और फिर फिट ब्लॉक किया गया वहां पे मुन्ना प्रधान क्लब फटवा 13 और 16 अठारह की बहुत अच्छी सभी अच्छा भाग किया गया हुए एक मोटा पिस्तौल अपने के स्कोर पे बहुत चतुराई के बाद वहां का पूरा अपने गेम को शो किया है वहां का पूरी प्रेजेंट अपने गेम को शो किया है सही अंदाज में अठारह का अच्छा पास एक मोटा फिर यहाँ पे तेरह सोलह के स्कोर पे खेल चल रहा है अपने आखिरी प्रभाव में प्रवेश कर चुका है। देखा जाए वहां पे आए ताले भी मारा है सोलह तेरह के स्कोर पे तो कहीं से सांस लेने का मौका नहीं दे रही मोहम्मदपुर टीम ये धटवा की टीम को मुन्ना प्रधान और इस बार ये के साथ आप देख रहे हैं पे लेकिन चार्ज किया जाएगा और चार्ज किया गया यहाँ पे काफी जहांगीर काम करेगा और कर दिया आपको जो कैश प्राइज